व्हाट्स अप गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम वीर, वेलकम टू स्टडी लवर। देखिए, हम पॉलिटी डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर, और पॉलिटी के अंदर जो हमारी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है वो चल रही है। कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडी होती है वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और लास्ट जो लेक्चर था मेरा वो करंट से रिलेटेड था, जिसमें हम लोगों ने देखा था किस तरीके से हम आने वाले टाइम में एक और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हम ऐड करने जा रहे हैं, जिसका नाम है बैकवर्ड कमीशन। ठीक है ना? तो बैकवर्ड कमीशन को भी कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने की बात चल रही है। आखिर आप लोगों को क्वेश्चन ये बताना है कि कौन से अमेंडमेंट बिल लेकर यहाँ पर आ जा रहा है, उस अमेंडमेंट बिल का आप लोगों को नंबर बताना है। ये पहला क्वेश्चन, ठीक है? दूसरा क्वेश्चन आप लोगों को ये बताना है कि ये जो बैकवर्ड कमीशन किस कमीशन से पावर लेगा, एससी कमीशन से पावर लेगा या फिर एसटी कमीशन से पावर लेगा, इसमें से कौन से में से ये पावर निकाल के बैकवर्ड कमीशन को दी जाएगी। ठीक है ना? तो आप लोगों को यहां पर इसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। कल ही मैंने लेक्चर कंप्लीट किया, ये करंट प्लस स्टैटिक का पोर्शन है। यहां पर आप लोगों का एससी और एसटी वाला भी मैंने रिवाइज कराया था। ओके, तो अब देख लेते हैं अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। देखिए, ये वो नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, देखिए नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट्स हम कवर कर चुके हैं, स्टेट भी कवर कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है यहाँ पर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। ठीक है? तो इसके बारे में आप लोगों को कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जानने को पड़ेगी कि किस तरीके से इसका यूज किया जाता है और क्या क्या इसकी पावर है, कौन इसको अपॉइंट करता है, तो वो सारी बातें आज हम लोगों को यहाँ पर जानने को मिलेगी। तो ये है हमारा सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन, और इसको केंद्रीय सूचना आयोग भी बोला जाता है। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पर इसका लोगो भी आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर। तो ये कंप्लीट इसका लोगो हो गया यहाँ पर। तो आइए अब आगे चलते हैं, आप लोगों को कई सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर जानने को मिलेगी, और इससे कई सारे क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाते हैं एग्जाम में। सबसे पहले तो आप लोगों को यही पता होना चाहिए कि आखिर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, आज की डेट में अगर देखा जाए, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, तो क्या होता है, अगर मान लीजिए कोई इंसान, आज की डेट में हम जैसे सिटीजन है अपनी कंट्री के, अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, किसी वेबसाइट पर जाते हैं या फिर किसी डिपार्टमेंट में जाकर वहां से इन्फॉर्मेशन लेते हैं। अगर हमको कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कराता है और वो हमको मना कर देता है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराने से, जो कि हमको मिलनी चाहिए, तो उस टाइम पर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन पिक्चर में आ जाता है और वो बोलता है कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। तो ये काम करता है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन। ओके, तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन की अगर बात की जाए, इसको एस्टेब्लिश किया गया था 2005 में, और 2005 में ऐसा क्या चमत्कार हुआ था, 2005 में आप लोगों को पता होगा राइट टू इन्फॉर्मेशन, जिसको आरटीआई भी बोलते हैं, नॉर्मली आप लोगों ने बहुत बार नाम सुना होगा, तो राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट को पास किया गया था, और उस टाइम पर जाकर हम लोगों ने सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन बनाया था। अब सीधी सीधी बात एक आती है आप लोगों के माइंड में कि ये क्या, कैसी बॉडी हो गई, फिर ये सीधे सीधे आप लोगों को समझ में आ रही है कि पार्लियामेंट में पास किया गया था, पर लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में कोई अमेंड नहीं किया गया था, एक्ट बनाया गया था पार्लियामेंट में पास करके, राज्यसभा लोकसभा और प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद में हमारे यहाँ पर एक एक्ट आ गया था हमारे हाथ में, और उस एक्ट के तहत फिर ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हम लोगों ने बनाया था, जो कि हमारी हेल्प करता है कि हम लोगों को जो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए उसको कोई रोक न दे, वो हम तक प्रॉपर वे में पहुंचती रहे। तो ये काम होता है यहाँ पर सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन का, और ये क्या हो गया, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई। ओके, तो ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, या फिर आप लोग इसको स्टेच्यूटरी बॉडी भी बोल सकते हैं, दोनों एक ही बात है, क्योंकि इसमें कॉन्स्टिट्यूशन में इससे रिलेटेड कोई भी प्रोविजन नहीं रखा हुआ है, सारा जो प्रोविजन है आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, तो इसीलिए पार्लियामेंट के थ्रू यहां पर पास किया गया, तो इसलिए इसको स्टैट्यूटरी बॉडी बोलेंगे। वैसे ऑलरेडी इसके ऊपर लेक्चर है, अगर डिटेल में देखना चाहते हैं कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और स्टैट्यूटरी बॉडी में क्या डिफरेंस होता है, ये सब चीजें ऑलरेडी लेक्चर ले चुका हूं, तो देख लीजिएगा, सारी लिस्ट आप लोगों को लेक्चर की नीचे मिल जाएगी कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये बराबर में यहाँ पर कुछ फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, ज्यादा इनके बारे में याद रखने की जरूरत नहीं है, बजट वगैरह क्या है ये सब फालतू की इन्फॉर्मेशन है, इनके बारे में आप लोगों ने ये वाला पोर्शन जो है आप लोगों को ये याद रखना है, ठीक है? और किस टाइम पर इसको फॉर्म किया गया था, और जुडिक्शन जो इसका एरिया है तो वो कौन सा है, तो कंप्लीट इंडिया है, तो इंडियन टेरिटरी के अंदर जो एरिया आता है उसके अंदर इसकी पावर चलती है, और ये तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि ये राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट के तहत इसको बनाया गया था। ओके, आइए अब आप लोगों को काफी अच्छी इन्फॉर्मेशन आगे जानने को मिलेगी, किस तरीके से वर्क किया जाता है, कैसी कंपोजिशन होती है, वो सारी इन्फॉर्मेशन भी कई बार पूछ ली जाती है। सबसे पहले तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि यहाँ पर एक तो होता है चीफ इन्फॉर्मेशन कमीशन, ठीक है ना? तो चीफ इन्फॉर्मेशन कमिश्नर हो गया यहाँ पर, इसके साथ में 10 मैक्सिमम होने चाहिए, 10 मेंबर मैक्सिमम होने चाहिए, और कम मिनिमम कितने होने चाहिए उसके बारे में कुछ नहीं लिखा है, तो नॉट मोर देन 10 लिख रखा है, तो इसका मतलब कितना हो गया, मैक्सिमम जो नंबर हो गया यहाँ पर 11, मतलब एक 11 प्लेयर की टीम बन सकती है पूरी क्रिकेट की, ठीक है? तो ये बात की जा रही है, पर लेकिन 11 से ज्यादा नहीं जाना है,
यहाँ पर 11 से नीचे ही रहना है। तो पूरी क्रिकेट टीम यहाँ पर तैयार की गई है, तो याद रख सकते हैं आप लोग कंपोजिशन में क्रिकेट टीम की तरीके से इसको। और क्या करता है, अपॉइंटमेंट कौन करता है, तो प्रेसिडेंट करता है। सीधी सीधी बात है, प्रेसिडेंट अपॉइंटमेंट करता है, पर लेकिन डायरेक्ट नहीं करता है, उसको एक कमिटी रिकमेंडेशन देती है। कमिटी बताती है कि आप लोगों को किस किस को यहाँ पर इस पोस्ट पर बैठाना है। तो कमिटी में कौन कौन रहता है, कमिटी में आप लोगों को जानने को मिलेगा यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, लीडर ऑफ अपोजिशन होते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में नहीं, लोकसभा की बात हो रही है यहाँ पर। यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि नॉमिनेटेड किए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, ठीक है। तो टोटल मिला के आप लोग देख सकते हैं यहां पर कि प्राइम मिनिस्टर हो गया और लीडर ऑफ अपोजिशन हो गया और यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर हो गया जो कि नॉमिनेट किया जाता है प्राइम मिनिस्टर के द्वारा। वो कोई भी हो सकता है, यहां पर फाइनेंस मिनिस्टर हो सकता है या फिर होम मिनिस्टर हो सकता है, मतलब डिफेंस मिनिस्टर हो सकता है, कोई भी मिनिस्टर हो सकता है ये जो भी अपॉइंट करेगा प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो ये तीन मेंबर की जो बॉडी होगी वो किसी का नाम रिकमेंड करेगी और उन नाम को रिकमेंड करने के बाद में प्रेसिडेंट के पास में भेजा जाएगा। प्रेसिडेंट फिर उनको क्या करेगा, उनको मतलब उनको अपॉइंट करेगा, कोई भी अपॉइंट करेगा उनको, या तो चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर या फिर इंफॉर्मेशन कमिश्नर। तो ये पोस्ट फिर प्रोवाइड कराई जाएंगी इनके द्वारा, प्रेसिडेंट के द्वारा। आखिर क्या क्या क्वालिटी इन पर्सन के अंदर होनी चाहिए, सबसे पहले तो यही है, देखें नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए इनको ला की, क्योंकि कई सारी चीजें आनी है। सीधी सीधी बात आप लोग खुद देख सकते हैं कि क्या क्या इनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मांग सकते हैं जाकर, तो हर एक इन्फॉर्मेशन का यहाँ पर बंदा चाहिएगा। सोशल सर्विस का भी चाहिएगा, मैनेजमेंट का भी चाहिएगा, जर्नलिज्म का भी चाहिएगा, मास मीडिया का भी चाहिएगा, एडमिनिस्ट्रेशन का भी चाहिएगा, गवर्नेंस का भी चाहिएगा, टेक्नोलॉजी का भी चाहिएगा। क्यों, क्योंकि इन्फॉर्मेशन किसी से भी मांगी जाती है और कोई सा भी डिपार्टमेंट अगर इन्फॉर्मेशन देने से मना करता है तो फिर यहाँ पर पिक्चर में ये आ जाता है। ये बात आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। तो फैक्ट क्या है यहाँ पर, फैक्ट ये निकल के आता है कि एक्चुअल में ये हमारी मदद करने के लिए बने हुए हैं, तो मदद हर एक एरिया में करेंगे, तो हर एक एरिया का कम से कम एक मेंबर तो यहाँ पर होना ही चाहिए ना, तभी तो हम लोगों की सहायता कर पाएगा। मान लीजिए टेक्निकल फील्ड से कोई इन्फॉर्मेशन आ गई हमारे पास में, हमको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, उसने दी नहीं है, अब इशू जाएगा यहाँ पर कमिश्नर के पास, वहां पर कोई टेक्निकल बंदा है नहीं, तो वो कैसे इशू को सोल्व कर पाएगा, कैसे वो वहां पर चीजों को देख पाएगा। तो इसलिए मैक्सिमम फील्ड से यहाँ पर बंदे जो यहाँ पर इंक्लूड करने की कोशिश की जाती है, ताकि किसी भी फील्ड के अगर कोई केस आ रहा है उसको आसानी से सोल्व किया जा सके और कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर न हो। इसके अलावा ये बात नोट करने वाली है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है पास्ट में, इसमें कोई भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, ना तो हमारा पार्लियामेंट संसद का मेंबर होना चाहिए, ना ही स्टेट की असेंबली का मेंबर होना चाहिए, और ना ही यूनियन टेरिटरी का मेंबर होना चाहिए, ठीक है ना। तो इनमें कोई भी स्त्री का मेंबर पॉलिटिकल अथॉरिटी यहां पर नहीं होनी चाहिए, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। ओके, एक तो बात ये होगी, दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि ये जो मेंबर होते हैं ये कोई भी प्रॉफिट ऑफिस पर नहीं होना चाहिए, मतलब ना तो किसी पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड हो, ना कोई साइड में अपना बिजनेस चल रहा हो, इनको यहीं पर ही अपॉइंट किया जाएगा। इसके अलावा साइड में इनका कोई भी धंधा नहीं चलता हुआ होना चाहिए, ठीक है। अगर धंधा चलता हुआ होएगा तो फिर ये पोस्ट उनके लिए नहीं है, ये भी यहां पर इसमें प्रोविजन रखा गया है अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो। तो ये कुछ बातें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए जब बात आती है इन्फॉर्मेशन कमिश्नर की। यहां पर बात करते हैं टेन्योर की, टेन्योर मतलब कितने टाइम पीरियड तक ये रहते हैं और फिर इनकी सर्विस कंडीशन क्या होती है। टेन्योर की सबसे सीधी सीधी बात क्या है, 5 साल होगा, या तो 5 साल पहले निपट जाए या फिर 65 साल, तो 5 हो या 65 साल, तो जोन सा भी पहले हो जाएगा वो इसका टेन्योर बन जाएगा। तो 5 और 65 हो गया। आप लोगों को बताना है, जब मैं आप लोगों को पढ़ा रहा था वहां पर ह्यूमन राइट कमीशन, वहां पर मेंबर की एज क्या थी, बड़ी डिफरेंट सी थी वहां पर, नॉर्मली इतनी नहीं देखने को मिलती है। तो आप लोगों को बताना है कि क्या थी वहां पर एज कंडीशन। ओके, तो ये आप लोगों को नीचे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। इसके बाद में ये तो कंडीशन हो गई जिनके द्वारा इनको मतलब अपॉइंट किया जा सकता है। अब बात करते हैं कि इनको देखिए रीअपॉइंटमेंट भी नहीं किया जाता है। क्यों, क्योंकि देखिए अगर रीअपॉइंट करेंगे तो यहां पर क्या होगा, फिर इनके मन में लालच आएगा कि हमको रीअपॉइंट भी किया जा सकता है गवर्नमेंट के द्वारा, इसलिए जिस तरीके से गवर्नमेंट चाहती है उस तरीके से हम लोग काम करें, तो ये इंडिपेंडेंटली वर्क नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब बात आती है इनको हटाने की, अब इनको हटाया कैसे जाता है, तो सबसे पहले तो यही बात आती है कि दिवालिया घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर ये किसी भी कंडीशन में किसी भी तरीके से ये अपने जो मतलब ऑफेंस ऐसा कुछ पाया जाता है इनके इर्द गिर्द जिसके प्रेसिडेंट के ओपिनियन में वो सही है, ये इन्वॉल्व है, मतलब इस तरीके से अगर कोई पाया जाता है तो तब भी इनको हटा दिया जाएगा। आउटसाइड इंप्लॉय कर रहे हैं अपने ऑफिस से तब भी इनको हटा दिया जाएगा। ओके, अनफिट पाए जाते हैं, अगर इनको बॉडी और माइंड के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रेसिडेंट को लगता है कि अनफिट है तब भी इनको हटा दिया जाएगा, या फिर अपना फाइनेंशियल इंटरेस्ट देख रहे हैं, मतलब कोई घूसखोरी कर रहे हैं ऑफिस के अंदर, तो तब भी इनको हटा दिया जाएगा। तो ये तो आप लोगों को ये 5 पॉइंट तो ये मिल गए यहाँ पर देखने के लिए। इसके एडिशन में कुछ और कंडीशन है, यहाँ पे एडिशन में कुछ और कंडीशन है, वो ऐसे हैं जैसे कि अगर मिसबिहेव कर दिया तो तब भी हटाया जा सकता है, या फिर इनकैपेसिटी दिखा दी कि हाँ बिजनेस का काम नहीं, ये ऑफिस का काम नहीं देख पा रहे हैं, तो तब भी इनको यहां से हटाया जा सकता है।
तो ये कुछ चीजें हो गई यहाँ पर, आप लोगों को कुछ डायमेंशन याद रखनी चाहिए यहाँ पर कि कौन कौन सी डायमेंशन है जिसके तहत इसको आसानी से हटाया जा सकता है। पर लेकिन ऊपर वाली कंडीशन तो सही है, पर लेकिन जो नीचे वाली कंडीशन की जब बात आती है कि मिसबिहेवियर कर दिया या फिर इनकैपेसिटी वाली बात आ गई, तो मैटर सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को फॉरवर्ड करेगा ये मैटर कि यार देखना ये सही बोल रही, मतलब ये मिसबिहेव कर रहे हैं या फिर इनकैपेसिटी है, तो ये दोनों चेक किया कौन करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा। और सुप्रीम कोर्ट फिर एडवाइज करेगा कि अगर मान लीजिए पाया जाता है कि आप इसको हटा सकते हैं, पर प्रेसिडेंट के ऊपर बाइंडिंग नहीं है ये, प्रेसिडेंट कैन रिमूव लिखा हुआ यहां पर, कैन रिमूव का मतलब प्रेसिडेंट हटा भी सकता है और नहीं भी हटा सकता है, इट इज अप टू द प्रेसिडेंट कि प्रेसिडेंट को क्या अच्छा लगता है। तो प्रेसिडेंट के पाले में गेंद चली जाती है यहां पर, प्रेसिडेंट अगर चाहेगा तो हटाएगा, नहीं चाहेगा तो हटाएगा, क्यों, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन यहां पर बाइंडिंग नहीं है किसी भी तरीके से, तो इसलिए प्रेसिडेंट की इच्छा है, अगर लगता है सही है, नहीं लगता है तो सही है, अपना कंटिन्यू रहने दो उसको। ओके, तो ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन होगी कि किस तरीके से इनको हटाया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा इनकी सैलरी वगैरह, क्या क्या इनको अलाउंसेस दिए जाते हैं, सर्विस कंडीशन क्या रहती है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। कंपैरिजन की जब बात आती है ना, कंपेयर करने की, किसके बराबर सैलरी दी जाती है, क्या क्या इन क्या क्या फंक्शंस होते हैं, जब कहीं पे कंपेयर किया जाता है तो वो क्वेश्चन थोड़े इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, या फिर कुछ ऐसे होते हैं जो अपवाद होते हैं, मतलब पर्टिकुलर जैसे हम लोगों ने देखा था नेशनल कमीशन फॉर, जब हम नेशनल कमीशन ह्यूमन राइट कमीशन देख रहे थे उस टाइम पर हम लोगों ने कई सारी कंडीशन देखी। सबसे पहली मैंने आप लोगों को एज की बताई, टेन्यूर की बात की थी, वहां बड़ा डिफरेंट सा टेन्यूर निकल के आ रहा था, तो इस तरह के क्वेश्चन कई बार पूछ ले जाते हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा फोकस देकर चलना है, प्रैक्टिस जितना करते रहेंगे उतना ज्यादा फायदेमंद रहेगा, प्रैक्टिस जब छोड़ देंगे तो इसका मतलब समझ लीजिए तभी चीजें हमें नेगेटिव डायरेक्शन में जानी स्टार्ट हो जाएगी। टाइम टू टाइम आपको चेक करते रहना है, 80 से ज्यादा लेक्चर ले चुका हूं, चेक कीजिए कि जो फर्स्ट लेक्चर मैंने लिया था वो आपको कितना याद है, ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग रिवीजन करते रहिए तो फायदा है, वरना किताबें तो खत्म होती रहती है, वो खत्म होकर ऐसी रखी जाएंगी कि कब कभी पढ़ी भी नहीं है अगर रिवीजन नहीं करेंगे, और फिर एग्जाम में ये बोलेंगे कि यार सब कुछ तो पढ़ के गए थे पता नहीं कहाँ रह गया, वो यहीं रह जाता है इसी तरीके से अगर रिवीजन नहीं करते हैं। कोशिश क्या कीजिए कि जब भी मेरा नेक्स्ट लेक्चर आप लोगों को देखना है ना, तो लास्ट लेक्चर का कम से कम रिवीजन कर लिया कीजिए एक बार, तो बहुत फायदेमंद रहेगा, ठीक है, उससे आप लोग चीजों को कनेक्ट भी कर पाएंगे और रिकॉल भी कर पाएंगे, और एग्जाम पूरा खेल रिकॉल का ही है, जो चीज आप रिकॉल कर पाते हैं। आइए आगे चलते हैं, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के बारे में जान लेते हैं। सिमिलर यहां पर जो इनको सैलरी वगैरह दी जाती है बिल्कुल चीफ इलेक्शन कमिश्नर की तरीके से है, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर इज इक्वल टू चीफ इलेक्शन कमिश्नर, तो इसके इक्विवेलेंट यहां पर इनको ये सैलरी अलाउंसेस या सर्विसेज कंडीशन दी जाती है। आगे बात आती है इंफॉर्मेशन कमिश्नर की, तो वहां पर आता है फिर इलेक्शन कमिश्नर, तो इसके इक्विवेलेंट यहां पर चीजें होती हैं, पर लेकिन यहां पर भी वही कंडीशन है कि अगर एक बार इनको अपॉइंट कर दिया गया तो फिर ड्यूरिंग इनकी सर्विस कंडीशन, इनकी सैलरी अलाउंसेज या जो भी इनको सर्विस कंडीशन प्रोवाइड करा रहे हैं वो चेंज नहीं की जाएगी, क्यों, क्योंकि अगर इनको चेंज की जाएगी तो बात वही होगी ना, फिर गवर्नमेंट के अंगूठे के नीचे आ जाएंगे ये लोग, गवर्नमेंट जब चाहेगी इनको चेंज करा लेगी और जब चाहेगी इनको मना कर देगी, तो वो वाली कंडीशन नहीं होनी है किसी भी तरीके से कि गवर्नमेंट के प्रेशर में आके किसी भी तरीके से ये वर्क करें, क्यों, क्योंकि हमको इनको एक इंडिपेंडेंट ऑफिस रखना है तभी तो हम इंफॉर्मेशन ले पाएंगे, वरना हम हमारे पास में इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचेगी, तो यही चीज है कि यहां पर एक इंडिपेंडेंसी बना के रखनी है जिससे कि जो हमारे जो यहां पर किसी को भी कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए सिटीजन ऑफ इंडिया को, उनको आसानी से इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और कोई गवर्नमेंट से रिलेटेड भी अगर इंफॉर्मेशन चाहिए तो वो भी इंफॉर्मेशन पहुंच सके, तो वही सब बातें रखने के लिए यहां पर ये कंडीशन डाली गई है। थोड़ा सा पावर और फंक्शन पे नजर डाल लेते हैं, सबसे पहले तो बात यही होगी अगर इनके पास में कोई रिपोर्ट जाती है, कोई इस तरह की कंडीशन जाती है, कंप्लेंट जाती है कि कोई सामने वाला ऑफिस जो है, सामने वाला कोई भी गवर्नमेंट का कोई बंदा है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा रहा है, तो तब ये इसको इंक्वायर करते हैं, तब इंक्वायरी में घुसते हैं ये जाके, तब देखते हैं क्या मैटर है और क्या यहाँ पर कंडीशन बन सकती है, और इनको पास में शू मोटो पावर भी होती है, मतलब स्वेच्छा से भी अगर इनको लगता है कहीं पे कोई ऑफिस अपने आप में कोई गड़बड़ कर रहा है, जहां से सिटीजन को इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए और वो उन तक नहीं पहुंच रही है, अगर इनको खुद को भी वो फील होती है तो तब भी ये अपना शू मोटो पावर कहते हैं, अपने आप स्वयं से ही पावर ले सकते हैं उसको इंप्लीमेंट करने के लिए, तो ये भी पावर इनके हाथ में होती है, ठीक है। और कमीशन को आप लोग देखेंगे यहां पर पावर ऑफ सिविल कोर्ट भी यहां पर आप लोगों को देखने को मिलेगी। सिविल कोर्ट का क्या मतलब होता है, जहां पे क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं पाई जाती है, मतलब जो नॉर्मल मैटर होते हैं, मान लीजिए टैक्स रिलेटेड मैटर आ गया, डिवोर्स वाला मैटर आ गया, उस तरीके के जो मैटर होते हैं वो सिविल कोर्ट के मैटर होते हैं, और मान लीजिए मर्डर कर दिया, कोई चोरी डकैती डाल दी, वो सारे क्रिमिनल एक्टिविटीज होती है, तो सिविल कोर्ट की पावर इनके पास में होती है, इनके पास में क्रिमिनल कोर्ट वाली पावर नहीं होती है। कोई भी पब्लिक रिकॉर्ड ये मांग सकते हैं कमीशन ड्यूरिंग द इंक्वायरी की, इंक्वायरी में ये इन्फॉर्मेशन हम लोगों को चाहिए, तो इनको वो सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी पड़ेगी जिससे भी ये कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगेंगे, ठीक है। तो ये भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आप लोगों को पता होना चाहिए इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में। इसके अलावा जो रिपोर्ट की बात आती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोगों को कैच मिलेगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट को, मतलब जो अपनी रिपोर्ट सबमिट करते हैं तो जो रिपोर्ट होती है एनुअल वो सेंट्रल गवर्नमेंट को देते हैं, ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिपोर्ट देते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। हमने पहले क्या डिस्कस किया था, पहले जो सब डिस्कस कर रहे थे हम लोग
कि प्रेसिडेंट के पास में जाता है पर लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाता है और फिर वो यहाँ से पार्लियामेंट के पटल पर रखा जाता है, मतलब फिर यहाँ पर अपोजिशन भी पिक्चर में आ जाती है और फिर चीजें डिस्कस की जाती हैं कि प्रोविजन जो एक्ट के हैं, जो RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जो कि 2005 है, उसको प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है, या कोई प्रॉब्लम आ रही है इंप्लीमेंट करने में, तो वो सारी बातें यहाँ पर देखी जाती है और उसके बाद में वो सारी चीजें फिर डिस्कस की जाती है और फिर तो आप समझते हैं पार्लियामेंट में क्या होता है, एक दूसरे के ऊपर हा हुल्ला होता है और जितना डिस्कशन होना चाहिए उतना डिस्कशन नहीं होता है, बस एक तरीके से वहां पर टाइम पास होता है जो कि हम लोग बहुत पुराने समय से यहाँ पर देखते हुए आ रहे हैं और इसी के ऊपर बहुत सारे डिस्कशन भी चलते रहते हैं कि किस तरीके से हम अपनी पार्लियामेंट को प्रोडक्टिव बनाते हैं, पर लेकिन हमारी पार्लियामेंट प्रोडक्टिव नहीं हो रही है, बहुत सारे रीजंस हैं, वो तो आप लोगों ने देखे ही होंगे, डे बाई डे आप लोग न्यूज़पेपर भी पढ़ते हैं तो वहां पर आप लोगों को ये इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, तो इस तरीके की इन्फॉर्मेशन आप लोगों को पता होना चाहिए। देखिए आज के लेक्चर में इतना ही, अगर लेक्चर पसंद आया तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक कीजिए, डिसलाइक क्यों किया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और आप लोगों से रिक्वेस्ट है ये रिवीजन जरूर करते रहिए क्योंकि सिलेक्शन आप लोगों का तभी हो पाएगा और तभी मुझे भी अंदर से खुशी मिलेगी कि हाँ यार किसी का सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग अगर ढंग से प्रॉपर वे में पढ़ाई को करके चलेंगे, मैं डेली जब नैनो मैगजीन डिस्कस करता हूँ उसमें भी मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पर भी आप लोगों का रिवीजन करा रहा हूँ मैं, एक एक लेक्चर डेली, खुद से भी आप लोग जो नया लेक्चर आता है उसको कर चलें और बाकी का जो भी पोर्शन है वो मैं कवर करता हुआ चलूंगा, करंट अफेयर से रिलेटेड जो भी इशू है यहाँ पर इसके साथ में जो कि हमारा पॉलिटी के साथ में, वो सारी चीजें मैं ऑलरेडी डिस्कस कर रहा हूँ और करता हुआ चलूंगा, ठीक है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी इशू है, नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं या फिर फेसबुक पे जहाँ PDF अपलोड करता हूँ वहाँ पे लिख सकते हैं, तो चीजें आप लोग बताते रहिए, ठीक है। तो इससे आप लोग मेरे तक चीजें पहुंचेंगी तो तभी मैं कुछ सोल्यूशन निकाल पाऊंगा। तो अपने आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों को भी सेव कीजिए और मिलजुल कर रहिए जितना हो सकता है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग, जय हिंद।